मसीह यस्सु के कादर बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं इशबान विक्टर। आज हम जबूर 122 करने लगे हैं। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। बहुत ही ज़बरदस्त जबूर है और इसको मैं आपको 5 स्केल से बताऊंगा। पहला सफ़ेद, पहला काला, दूसरा सफ़ेद, दूसरा काला और तीसरा सफ़ेद। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं बहुत शॉर्ट टाइम में आपको इसकी कंप्लीट नोटेशन बताऊंगा और फिंगर बताऊंगा आपने किस तरह किस नोट पे कैसे लगानी है, और आप उसको फॉलो करेंगे तो आप इजीली प्ले कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। तो चलें शुरू करते हैं ज़बूर को। ये स्केल है, आज जो वीडियो है वो सी मेजर है। मैंने जैसे अपने आप मेरे वीडियो के उस पर ही देख रहे होंगे, थंबनेल पे ही मैंने इस पर सी मेजर स्केल। जिस भाई का भी कोई सा भी स्केल है, कुछ ये बजाते हैं, कुछ इस स्केल से गाते हैं, कुछ काले से गाते हैं, कुछ यहाँ से गाते हैं, कुछ यहाँ से गाते हैं, कुछ यहाँ से, तो सबके स्केल के लिहाज से मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई हैं ताकि आप लोग ईजिली ज़बूर की नोटेशन कॉपी कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसको, ऐसे एज इट इज़ फॉलो करें। ये मेरी 5 उंगलियाँ, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, शुरू के 5 सफ़ेद नोट्स पे ये 5 उंगलियाँ आ गए। आपने इसकी सिंपल सी एक एक्सरसाइज ये करनी है, ये सारे गामा पामा गरे सा। अब इसकी मेलोडी देखेंगे, बहुत सिंपल, इसी पोजीशन में रहते हुए इन्हीं उंगलियों से करना है। अब यहाँ पे आपने थंब को मूव करना है, इस तरह थंब से मूव करना है, तीनों हाथ ऐसे। बहुत सिंपल। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। ये थी इसकी सिंपल सी मेलोडी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको सिखाया है, फिर भी किसी भाई को कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको सी शार्प से बताऊँगा। थैंक यू सो मच।